जयपुर में लूट की कोशिश करने का अनोखा मामला सामने आया है। इसमें 12 से ज्यादा लोग हथियारों के साथ एक घर में 600 करोड़ रुपए लूटने घुसे। पैसा नहीं मिला तो घर की टाइल्स तोड़ दी, फिर गहने और कैश लूट ले गए। चोरों ने लूट को अंजाम एक महिला तांत्रिक के कहने पर दिया, जिसने पीड़ित के घर में 600 करोड़ रुपए होने का दावा किया था। घटना करनी बिहार थाना क्षेत्र में 12 मई की है, जहां पुलिस ने महिला तांत्रिक समेत सभी 15 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार तो कर लिया है। करनी बिहार थाने के दाबाज में 12 मई को देर रात प्रॉपर्टी कारोबारी यादराम मौर्य के घर हथियारों से लैस होकर बदमाश घुसे। परिवार के लोगों को बंधक बनाकर घर में तलाशी भी ली। तलाशी के दौरान कैश और कीमती सामान नहीं मिलने पर बदमाश घर में रखा टीवी और छोटा मोटा सामान उठाकर ले गए। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 3 दिन में खुलासा कर भी दिया है।